हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आया सावन झूम के। इस बार सावन के महीने की शुरुआत चंद्र ग्रहण के दिन से हो रही है और साथ ही साथ इस दिन गुरु पूर्णिमा भी रहने वाली है। और ज्योतिष गणना की हम माने तो 16 जुलाई की रात को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसके अगले दिन यानी कि 17 जुलाई से सावन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 17 जुलाई को सूर्य राशि बदलकर मिथुन से कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे, जिसके अलग अलग राशियों पर बहुत गहरे असर पड़ने वाले, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। और सावन का महीना यानी भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना, जब शिव भक्त भोले भंडारी की भक्ति में डूबने वाले हैं। दोस्तों, देव शयनी एकादशी से भगवान विष्णु के 4 माह तक जब क्षीर सागर में शयन करते हैं, तब इस दौरान भगवान शिव इस जगत के पालनहार होते हैं और महाशिवरात्रि तक भगवान शिव ही पूरी पृथ्वी की, पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं। भगवान शिव का प्रिय माह सावन भी इन्हीं 4 महीनों में आएगा और इस वर्ष सावन माह का प्रारंभ 17 जुलाई बुधवार के दिन से हो रहा है और 15 अगस्त दिन गुरुवार को सावन माह का अंतिम दिन रहने वाला है। इस वर्ष सावन मास पूरे 30 दिन का है और इस वर्ष सावन मास में 4 सोमवार और 4 मंगलवार पड़ रहे हैं। 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार पड़ेगा, 29 को दूसरा सोमवार, 5 अगस्त को तीसरा सोमवार और आपको मैं बताऊं, तीसरे सोमवार में त्रियोग संयोग बन रहा है जो कि बहुत ही लकी माना जाता है। साथ ही साथ चौथा सोमवार बनेगा 12 अगस्त को। इसी प्रकार 4 मंगलवार होंगे, 23 जुलाई को सावन का पहला मंगलवार, 30 जुलाई को सावन का दूसरा मंगलवार, 6 अगस्त को सावन का तीसरा मंगलवार और 13 अगस्त को सावन का चौथा मंगलवार। दोस्तों, इस बार हरियाली अमावस्या पर पंच महायोग संयोग बन रहा है और माना जा रहा है 10 शुभ संयोगों में सावन का पूरा महीना आ रहा है। ऐसा संयोग 125 वर्षों के बाद बन रहा है और खासकर नाग पंचमी भी विशेष संयोग में मनाई जाएगी। इस बार नाग पंचमी और सोमवार का विशेष संयोग भी एक साथ बन रहा है। नाग पंचमी और सोमवार दोनों के ही दिन भगवान शिव की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है और कई वर्षों के बाद 15 अगस्त और रक्षाबंधन श्रवण नक्षत्र के संयोग में मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार सावन के महीने का पहला दिन सूर्य के उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र वज्र योग और विष कुंभ योग के साथ शुरू हो रहा है। ग्रह नक्षत्र के आधार पर इस बार सावन के महीने में थोड़ी बाढ़ आदि आ सकती है, बारिशें हो सकती है बहुत ज्यादा, रुक रुक करके सावन के महीने में जबरदस्त बारिशें होंगी और शुक्र ग्रह भी अस्त रहने वाला है, जिसके चलते कोई भी शुभ काम नहीं किया जा सकेगा। सावन के महीने में शुक्र ग्रह अस्त रहेगा यानी कि लग्जरियस ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह, जो कि अस्त रहने वाला है और शुक्र ग्रह को हम सुख और ऐश्वर्य का प्रतीक मानते हैं। सावन के महीने के बीच में 1 अगस्त को पहला सिद्धि योग, दूसरा शुभ योग, तीसरा गुरु पुष्य अमृत योग, चौथा सर्वार्थ सिद्धि योग और 5वां अमृत सिद्धि योग का संयोग है और इस दिन हरियाली अमावस्या भी पड़ने वाली है और इस पंच योग में पूजा करना शुभ और फलदायी माना गया है। सावन के आखिरी दिन में पंचक शुरू हो रहा है, नाग पंचमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग के संयोग में काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा करना फलदायी होगा। तो दोस्तों, सावन है और सावन के सोमवार व्रत से भगवान शिव को प्रसन्न कर मनचाहा आशीर्वाद हमें इस बार प्राप्त करना है और सावन का जो मंगलवार आएगा इसमें माता पार्वती को समर्पित होता है, गौरी पूजन किया जाता है, मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और इस दिन माता पार्वती की पूजा कर जीवन में कल्याण और मंगल की प्राप्ति की जाती है। भगवान शिव की आराधना से मनुष्य को संतान, वर, धन, मोक्ष सभी चीजों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भी जातक इस महीने में शिव जी को प्रसन्न करने में सफल हो जाता है, भोलेनाथ खुद उसका हाथ पकड़कर उसके जीवन से हर संकट को निकाल देते हैं, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। अब भोले बाबा के भक्तों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि शिव शंकर कितने भोले हैं और आप उनको थोड़े से प्रयास करके ही आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि छोटे छोटे उपाय करके आप सावन माह में शिव जी के मंत्रों का जप करें, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः,
ओम श्री कंठाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंत धर्माय नमः, ओम ज्ञानभूताय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योमात्मने नमः, ओम युक्त केशात्म रूपाय नमः। इस प्रकार से आप शिव जी के मंत्रों का जप करें। आप चाहें तो शिव गायत्री मंत्र का भी जप करें, ये भी बहुत शुभ फलदायक माना जाता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इस प्रकार से आप बाबा की सेवा करें। जो लोग भी पूजन करना चाहते हैं सावन के महीने में, आप रोज कर सकते हैं, या कम से कम सावन के सोमवार के दिन आप सुबह जल्दी उठ करके नित क्रिया से निवृत्त हो जाएं, स्नान करके भगवान शिव के मंदिर जाएं, या फिर घर में ही शिवलिंग आपके पास है तो वहां जाकर बेलपत्र, धतूरा, कच्चे अक्षत यानी कि साबुत चावलों से, घी से, शहद से, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। और भगवान शिव के शिवलिंग के साथ साथ माता पार्वती का आपको स्नान आदि कराना चाहिए, नंदी महाराज का विधिवत पूजन करना चाहिए, जल से गणपति को, कार्तिकेय का, सभी का जो जो है आपके पास उनका अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना करें, शिव महिमा स्त्रोत्र का पाठ करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, जो भी आपको आते शिव चालीसा का पाठ करें, शिव जी की आरती करें, शीश दंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, जो भी आपको आता है इस दिन आपको करना चाहिए। शिव जी की पूजा में कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रहे, सावन के शिवरात्रि में आपको काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और खट्टी चीजों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शाम को हमेशा पूजन करना चाहिए, सुबह कीजिए बहुत अच्छी बात है, शाम को भी प्रदोष काल में शिव जी का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ये आपको जरूर करना चाहिए। जो लोग भी कावड़ यात्रा करना चाहते हैं वो कावड़ यात्रा करें। सावन माह में कावड़ यात्रा का बहुत बहुत महत्व होता है और कावड़िए हरिद्वार या बैद्यनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, उनसे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोल बम के नारों से पूरा देश गूंजता रहता है। और इसके अलावा सावन में आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव को दूध हुआ, जल हुआ, गन्ने के रस से ये अभिषेक करें, रुद्र अभिषेक करें, ये बहुत लकी होता है। दोस्तों, भक्ति का महीना है, इस कारण इन दिनों शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए हैं जो हमें इस मंथ में नहीं करने चाहिए। खासकर 10 ऐसे काम करते हैं जिनको करने की वजह से आप जितनी भी पूजा पाठ कर लें आपको भोलेनाथ की कृपा नहीं प्राप्त होती, आपके जीवन में परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहती है और फिर आप भगवान पर अविश्वास पैदा करते, कहते कि हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होता। ये हमारी करनियों की वजह से होता है, हमारे कर्मों की वजह से होता है कि हमारे जीवन में इतनी सारी पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। शिव जी की पूजा में आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि संभव हो तो दूध का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, इस माह में दूध का त्याग किया जाता है। यही बात बताने के लिए सावन में शिव जी का दूध से अभिषेक भी करने की परंपरा हुई। आपको मैं बता दूं, भगवान शिव को जो जो चीज़ें चढ़ाई जाती है वो चीज़ें सावन के माह में त्याग करने के लिए बनाई जाती है। और वैज्ञानिक मत भी कहते हैं कि अगर इन दिनों दूध का सेवन किया जाए तो दूध में वात बढ़ जाता है, और दूध का सेवन करना भी है आपको तो खूब उबाल उबाल करके प्रयोग में लाना चाहिए। कच्चा दूध तो कभी भी आपको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। सावन में आप दूध से दही बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन भादो के महीने में दही से भी आपको परहेज रखना चाहिए। सावन के बाद, उसके बाद भादो का महीना आएगा, उसमें आपको दही से परहेज रखना चाहिए क्योंकि भादो माह में दही सेहत के लिए हानिकारक होती है। इसी तरह से सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां खाना वर्जित बताया गया है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावन में बहुत सारी चीज़ें खाना वर्जित बताया गया है। सबसे पहले साग आता है, साग को सेहत के लिए सबसे गुणकारी, चाहे पालक हो या कोई भी साग हो वो बहुत गुणकारी माना जाता है। लेकिन सावन में साग आप खाते हैं तो वात बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा आपके साग में बढ़ जाती है, इसलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता। इन दिनों कीट पतंगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और साग के साथ साथ घास फूस भी उग जाते हैं और जो कि सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। कौन सा आपको मिला करके दे दें, वो घास फूस जंगली हो तो वो जहरीला हो जाए, इससे हानिकारक तत्व हमारे शरीर में जा सकता है, इसलिए सावन के महीने में आपको पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए।
पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ बैंगन खाना वर्जित बताया गया है। सावन में महीने में साग के बाद बैंगन की एक ऐसी सब्जी है जो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसका धार्मिक कारण ये बताया गया कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है और इसी वजह से कार्तिक के महीने में भी कार्तिक माह का जो व्रत रखते हैं वो भी बैंगन नहीं खाते हैं। जब हम वैज्ञानिक कारण इसका देखते हैं तो सावन में बैंगन में कीड़े ज़्यादा लग जाते हैं, ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सर्वथा वर्जित होता है सावन के महीने में बैंगन खाना। दोस्तों, बुरे विचारों से बचना चाहिए। हम सिर्फ जब व्रत करते हैं, व्रत नहीं भी करते हैं, कोई भी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, एक महीने हम बाबा का ध्यान करेंगे तो ये तपस्या बराबर ही होती है, चाहे आप व्रत करें ना करें। इसलिए इस माह में आपको किसी भी प्रकार के बुरे विचारों से बचना चाहिए। बुरे विचार कैसे? दूसरों का नुकसान पहुँचाने के लिए योजनाएँ बनाना, अधार्मिक काम करने की सोचना, पर स्त्री पर पुरुष गमन करना, स्त्रियों के लिए गलत भाव मन में लाना, इस प्रकार के विचारों से आपको बचना चाहिए। अन्यथा आपका शिवजी की पूजा में मन नहीं लगेगा, मन बेकार की बातों में पूरा दिन उलझा रहेगा और शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। सावन के माह में आपको अच्छे साहित्य पढ़ने चाहिए, धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, इससे आपके मन से खुद बुरे विचार दूर रहेंगे। नहीं तो बैठेंगे आप बाबा के सामने और आपकी भावनाएं गलत रहेगी, आपके दिमाग में कुछ और गलत विचार चल रहे होते हैं, इस प्रकार की पूजन से उल्टा आपको पाप चढ़ता है। सावन माह में इस बात का भी ध्यान रखें कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने पति हैं या पत्नी हैं, आपस में एक दूसरे को अपने गुरु हैं, अपने भाई बहन हैं, अपने जीवन साथी, माता पिता, मित्र, कोई का भी, जो ज्ञानी लोग हैं, भिखारी हो, कोई मांगने वाला हो, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। शिव जी के माह में इस बात का पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा शिव जी की कृपा आपको कभी भी प्राप्त नहीं होती। इस दिन आपको बता दूं, सावन के महीने में सुबह उठने का भी बहुत बहुत महत्व होता है। जल्दी जाग करके स्नान करना, शिव जी की आरती गाना, शीश दंग अर्दंग पार्वती, अपने घर में घंटी की आवाजें बजाना, ये सभी बहुत ही खूबसूरत होता है। घर में माहौल धार्मिक होता है और आपके घर में धूप दीप करते हैं सुबह सुबह, तो आपके घर में जितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी, सकारात्मक ऊर्जा होगी, उसका प्रवाह बनता है। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य की लाभ भी बनता है और देर तक सोते हैं तो इससे आपका आलस्य बढ़ता है। सुबह के समय मन शांत रहता है, इस वजह से पूजा पाठ जो आप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें एकाग्रता आपकी बहुत बढ़ जाती है और एकाग्रता से की गई पूजा का फल आपको बहुत जल्दी प्रदान होता है। पति पत्नी को अक्सर ध्यान रखना चाहिए, खास ये सभी पत्नी पति पत्नियों के लिए है। अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते हैं, आम बात है, और छोटी छोटी बातें कब बड़ी बन जाती है पता नहीं चलता, पूरा घर जिससे अशांत हो जाता है। इसलिए सावन माह में इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि घर में कलेश नहीं करना है, क्योंकि जिन घरों में कलेश होता है, अशांति रहती है, वहां पर कभी भी देवी देवता आते भी हैं तो उल्टे पांव लौटकर चले जाते हैं। सावन माह में अगर आप शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बना के रखें, एकता बना करके रखें, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करें और आगे बढ़ें। घर में प्रसन्नता रहेगी, जीवन में शांति रहेगी, इससे आपका जीवन सुखद बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, और मन जब प्रसन्न रहेगा तो पूजा जब करेंगे प्रसन्न मन से तो आपकी मनोकामनाएं भी जल्दी पूर्ण होगी। क्रोध आपको नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से मन की एकाग्रता भंग होती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है और आवेश में आप जो भी फैसले लेते हैं वो अधिकतर नुकसानदायक ही होती है, एक बुराई है, इससे आपको बचा करके रखना चाहिए खुद को। और खुद को कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं आप शिव जी की, तो बिल्कुल शांत रह करके शिव जी का ध्यान लगाएं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हुआ अपने अपने व्यवहार को, व्यवहार का व्रत किया, खान पान का व्रत भी बहुत ज़रूरी होता है। सावन माह में खासकर आपको मांसाहार यानी कि नॉनवेज आदि नहीं खाना चाहिए, किसी प्रकार का नशा आदि नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज खाना बनाने के लिए जीव की हत्या करनी पड़ती है और जीव हत्या पाप बताया गया है। मांसाहार को छोड़कर कम से कम एक महीना, ऐसे भी जर्म्स होते हैं, डॉक्टर्स भी मना करते हैं नहीं खाना चाहिए, इसलिए मांसाहार को कम से कम आप एक महीना छोड़ करके इस पाप से बचें। सावन में वर्षा ऋतु रहती है, आसमान में बादल छाए होते हैं, सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते, इसलिए हमारी पाचन शक्ति भी कमजोर होती है। इसलिए अगर आप साइंटिफिकली भी देखें तो ग्रहों की रोशनी से पाचन शक्ति हमारी कमजोर रहती है। नॉनवेज खाने को पचाने के लिए आपको पाचन शक्ति स्ट्रांग होना जरूरी होता है, इसलिए अगर सावन के महीने में आप खाते हैं इस तरह का खाना तो आपको पचेगा नहीं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको घेर सकती है।
दोस्तों ध्यान रखें, आपको सावन में आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए, जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको कुछ काम नहीं करने चाहिए भूल करके भी। इसमें सबसे पहला आता है, शिवलिंग पर आपको हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी आपको हमेशा जो जलधारी होती है वो माता पार्वती का पार्ट माना जाता है, इसलिए हमेशा उस पर आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन हल्दी स्त्री संबंधित वस्तु बताई गई है आपको, इसलिए शिवलिंग पर जो कि पुरुष तत्व माना जाता है, शिव जी का प्रतीक माना जाता है, उस पर हल्दी आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पूजा में आपको और भी चीज़ें हैं वो नहीं चढ़ानी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एक तो तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी का पत्ता, कहते हैं कि तुलसी के पति का वध जालंधर का शिवजी ने किया था, इसलिए उनको श्राप है, उन्होंने श्राप दिया था कि कभी भी उन पर तुलसी नहीं चढ़ेगी। आपको ध्यान रखना चाहिए, शिवलिंग की पूजा में कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। जो लोग भी दूध आदि चढ़ाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि पैकेट के दूध से कभी भी भगवान का पूजन ना करें। हमेशा आपको पास्टराइज्ड मिल्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जो नॉर्मल गाय का या भैंस का दूध आता है वो ही आप उपयोग में लें, ये बहुत अच्छा है। दूध जब भी लेते हैं तांबे के बर्तन में आपको दूध या स्टील के लोटे में आपको दूध लेकर के नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। आपको हमेशा आप पीतल ले लें या कोई भी आप सोना चांदी का लोटा ले लें या आप नॉर्मल गिलास ले लें, इससे आपको चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को कुछ फूल हैं जैसे कि केतकी और चंपा, ये फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफ़ेद फूल भोलेनाथ को बहुत पसंद है, लेकिन केतकी का फूल सफ़ेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें, जो चावल मैंने बताए अक्षत चढ़ाने चाहिए, टूटे हुए चावल भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाए जाते, इसलिए क्योंकि चावल पूर्णता का प्रतीक माने गए हैं और शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय आपको खास कर ये देख लेना चाहिए कि चावल कहीं से टूटे हुए नहीं हो। दोस्तों शिवरात्रि पर तीन पत्रों वाला बेलपत्र आप शिव जी को अर्पित करें और डंठल आप जब चढ़ाएंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक तो बेलपत्र टूटा फूटा ना हो, कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, और जो चिकना भाग होता है बिलपत्र का वो हमेशा शिवलिंग के ऊपर आपको घुमा करके चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव का आप दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी, जल का प्रयोग करते हुए चंदन आपको चढ़ाना चाहिए, लेकिन आपको रोली, कुमकुम आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ को वैसे तो काफ़ी सारे फल अर्पित किए जाते हैं, लेकिन अगर बेर मिल जाए आपको इस सावन में तो बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है, आपको बेर का फल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफ़ेद रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के फूल प्रिय हैं और शिवरात्रि पर खासकर सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको चंदन जरूर लगाना चाहिए। ध्यान रखें, कभी भी कुमकुम का तिलक ना लगाएं, माँ पार्वती को भगवान गणेश की मूर्ति पर आप कुमकुम का तिलक लगाएं, ये बहुत अच्छा है। और दोस्तों भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज होते हैं, इसलिए सावन के इस पवित्र महीने में आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, बहुत ही खूबसूरत महीना आ रहा है, और ध्यान रखें दोस्तों सुबह सुबह जल्दी उठ करके बाबा की पूजन करें, अपने घर को साफ सुथरा करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन सभी के साथ आने वाले सावन को खूब झूम झूम करके मनाएं। बाबा भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करें, इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की, सावन को मनाना है, खूब झूम झूम के मनाना है और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन वीडियोस को शेयर करना है, क्योंकि और भी बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आ रहे हैं सावन के महीने के बहुत सारे उपायों के साथ। सो टेक केयर फ्रेंड्स, कीप कनेक्टेड, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।